तो जी गाइस, वेलकम है आपको हमारे किचन पर और आज के व्लॉग के लिए। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह का बना रहे हैं। हम बना रहे हैं नाश्ता। नाश्ता सुबह के 12 बज चुके हैं, तो इस टाइम हम नाश्ता बनाते हैं। तो काश तो अभी सोया है, तो लेकिन नाश्ता बना लूँगी आज। कुछ नाश्ता इस तरह का बनाने लगी हूँ, मैंने कहा आपसे भी शेयर करें आपके साथ ही। तो ये डबल रोटी है, डबल रोटी ली है मैंने, और ये दो अंडे लिए हैं, ये दो अंडे हैं। और आकाश के लिए पराठा बनाऊंगी, आलू का पराठा बनाऊंगी, उसको ये पसंद है। तो मेरा दिल कर रहा था डबल रोटी खाऊंगी। डबल रोटी पर जो आलू की पेठी मैंने बनाई थी वो बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो वेस्ट ना जाए, तो मैंने कहा डबल रोटी के ऊपर लगा कर आपको बताती हूँ किस तरह बनाती हूँ। बड़ी टेस्टी बनती है, बड़ी मज़ेदार बनती है, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चाय मैंने रख दी हुई है, तो अभी चूल्हा जलाएँगे, इस तरह चलेगा। ये देखिए, तो ये मैंने चाय रख ली है, तो अभी दूसरी साइड भी चलाएंगे। जल गया, जल गया। तो ये हर किसी के काम नहीं होता, तो लेकिन खुदा कामयाबी देने वाला है। तो अभी शुरू करते हैं। तो ये देखें, जब भी आप पराठा बनाएं आलू का, तो आप इसके अंदर पहले घी लगा लिया करें ऐसे। तो इस तरह पराठा बहुत अच्छा बनता है, बड़ा टेस्टी बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। तो आकाश को ये देखिए, इसके अंदर भी मैंने घी लगा लिया। तो ये पराठा बड़ा कुरकुरा बनता है, बड़ा मज़ेदार बनता है। तो जी आलू का पराठा मैंने बना लिया है, इसके ऊपर अब लगाऊंगी ऐसे घी लगाएं तो ज़्यादा पराठे की खूबसूरती आएगी। तो इधर चाय भी बन रही है। तो हाँ जी देखिए, अभी स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर मैंने लगा लिया टमाटर का पीस, उससे और टेस्ट बढ़ जाएगा। तो इसको करेंगे अंडे में डिप। ये देखिए, हो गया। इसको करेंगे ऐसे। तो आलू की पेठी आप वेस्ट ना जाने दें, चाहे टिक्की बना लें, चाहे ऐसे डबल रोटी बना लें। तो आपको पीले जैसा लुक मिलेगा। देखिए ये तैयार हो चुकी है। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो मैंने काफ़ी सारे शेयर करूं, तो आपको कैसी लगी है? आप आलू की पिठी बनाएं, चाहे पराठे बनाएं, अगर बच जाए तो आप इस तरह भी डबल रोटी बना सकते हैं, तो बड़ी अच्छी बनती है नाश्ते में। जब भी दिल करे आप खा सकते हैं। तो आप टिक्की भी बनाएं, पराठे बनाएं, डबल रोटी भी लगाएं, वेस्ट ना जाने दें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। तो मेरे चैनल का नाम है मुनव्वर तारिक ब्लॉग। तो ओके, बाय फॉर ऑफ दिस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे ब्लॉग के साथ।